हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम झटपट से एक पेस्ट बनाएंगे जो कि चिली से बनता है और आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो एक चम्मच आपका टमाटो पेस्ट लिया है, इसकी जगह आप टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। 10 से 12 आपका सूखी लाल मिर्च ली हुई है, जिसको कम स्पाइसी चाहिए वो बड़ी लाल मिर्च सूखी हुई ले सकते हैं। आपका बे लीफ एक बड़ा पत्ता या दो छोटे पत्ते आप डाल सकते हैं। लौंग दो या एक, दालचीनी एक छोटी स्टिक आपको डालनी है, एक कप सिरका डालना है इसके अंदर। यह आपका पेपरनचिनो पेस्ट बना रहे हैं। जनरली पेपरनचिनो चिली होती है जो इटली में पाई जाती है, एक बनाना चिली होती है जो येलो शेड में होती है, बट हम यहाँ पे अपनी नॉर्मल तीखी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं। अब एक टीस्पून इसके अंदर हम आपका पास्ता सीजनिंग या पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। पेपरनचिनो जो चिली होती है वो थोड़ी मिठास में भी होती है, तो उसमें तीखापन थोड़ा कम होता है। ये हमारी तीखी वाली बना रहे हैं। अब एक टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर या फिर आप देगी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसको ढंग से मिला लेंगे। अब इसमें एक चम्मच चीनी डाली है, आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आधा कप पानी भी आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। अब ये पूरी रात सोख होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को आप रख सकते हैं और कभी भी जब आपको जो कुछ बनाना है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पास्ता सैंपल का बनाऊंगा, और अगर आप इसको सोक कर रहे हैं और आपको लहसुन प्याज पसंद है तो आप लहसुन और प्याज रात में ही चिली के साथ मिलाकर सोक कर दें तो उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अब ये झटपट सा पास्ता है, कोई भी इंस्टेंट इसको बना सकता है। डीप में रखा हुआ है, आप निकालेंगे, वही आपने ऑयल डाला, आपने पास्ता और पिज्ज़ा सीजनिंग डाली, एक टीस्पून डाल दी। इसके बाद इसको थोड़ा सा भूना, थोड़ी सी आपने दो टेबलस्पून मेयोनेज़ डाली। ये पेस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोगों को झटपट कोई चीज़ बनानी है, इंस्टेंट बनानी है, और उनका टाइम बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें घर का खाना है, शुद्ध खाना है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। अब इसके अंदर मैंने 4 स्पून वो पेस्ट डाल दिया है, बाकी पेस्ट को मैं डीप करके रख दूंगा और जब ज़रूरत होगी तब यूज़ करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ढंग से। ये आप राइस बनाने में और पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि अब मैं इसमें पास्ता डालूंगा। जो पास्ता होगा आपका वो भी अलदांते होगा, थोड़ा कम पका हुआ होगा, 70% पका हुआ होगा, बाकी इसके अंदर पकेगा तो उसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छा आएगा और सॉस गाढ़ी हो जाएगी। देखिए डाला है, ये पास्ता एक जनों के लिए बनाया है, 140 ग्राम के करीब पास्ता डाला है इसके अंदर। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, जिनको स्पाइसी कम खाना है वो सूखी अचारी लाल मिर्च यूज़ करेंगे बजाय इस तीखी लाल मिर्च के। ये स्पाइसी लोगों के लिए मैंने बना के दिखाया, बट प्रोसेस वही होगा। आखिर में नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं इसमें चीज़ भी डालूंगा तो चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो उस हिसाब से मैंने नमक एडजस्ट किया हुआ है इसके अंदर। आप इसके अंदर स्टॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैगी सीजनिंग जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। अब ये तैयार हो गया है, इसमें मैं चीज़ की स्लाइस डालूंगा और सर्व करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल इंडिकेशन दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए। मैं शेफ नितिन जैन मिलता हूँ आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्पेंड लेस, ईट बेस्ट।